चार मिनट चला इसरो का विकास इंजन और दुनिया में मच गई खलबली। 240 सेकंड में दुनिया ने देखा इसरो की तकनीकी कामयाबी का तूफान। मिशन गगनयान ने लगाई ऊंची छलांग, विकास इंजन ने रच दिया इतिहास। दोस्तों, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान यानी गगनयान के बढ़ते कदमों को एक बार बड़ी मंजिल हासिल हुई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद गगनयान के इंजन का हॉट टेस्ट किया है, जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। यही वो इंजन है जो गगनयान को अगले साल अंतरिक्ष में लेकर के जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मिशन के सर्विस मॉड्यूल से जुड़ी हुई और इसके इंजन टेस्ट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की इस बड़ी कामयाबी से जुड़ी तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बिना स्किप किए इसे पूरा देखिए ताकि आप जान सकेंगे कि गगनयान के विकास मॉडल के हॉट टेस्ट के क्या मायने हैं, कैसे इसरो ने केवल 240 सेकंड के अंदर ही दुनिया को बता दिया कि वो अब मैदान का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, कैसे अब भारत 4000 से लेकर के 8000 टन वाले भारी भरकम सैटेलाइट को और स्पेस यानों को लॉन्च करने वाली ताकत हासिल कर चुका है, और केवल 3 साल के अंदर इसरो ने कैसे ह्यूमन रेटेड विकास इंजन को डेवलप कर डाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको विकास इंजन के ताजा अपडेट से रूबरू करवा देता हूं, जिसने दुनिया में खलबली मचा दी है। दरअसल दोस्तों, अभी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई थी, जिसने दुनिया में एक नया ही भोकाल खड़ा कर दिया। और दोस्तों, उसके केवल 4 दिन बाद ही दूसरी बड़ी गुड न्यूज इसरो ने दे दी है। इसरो ने इस बार गगनयान मिशन को लेकर के ऐसी खबर सुनाई है कि करोड़ों भारतीय बाग बाग हो उठेंगे। दरअसल दोस्तों, मई 2023 के अंदर ही गगनयान मिशन का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है, जिसका नाम है पैड एबोट मानव मिशन, जिसे TVD1 यानी टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन भी कहा जा रहा है। और इससे पहले उसके इंजन यानी विकास इंजन पर एक ऐसी खबर आई है कि नासा से लेकर के चीनी स्पेस एजेंसी भी हैरान हो उठी है, तो वही एलोन मस्क की भी हवा टाइट हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, जो काम एलोन मस्क की स्पेस एक्स बहुत ही बड़ी कीमत पर कर रही है, वो काम इसरो अब बहुत ही कम कीमत पर करके दे देगा। और बड़ी बात यह है कि ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी भारत की है यानी स्वदेशी है, लिहाजा ना अब इस पर अमेरिका की कोई दादागिरी चलेगी और ना ही चीन इसमें कोई अड़ंगा लगा पाएगा। दोस्तों, इसरो ने इस मिशन के लिए 240 सेकंड यानी 4 मिनट का ड्यूरेशन तय किया था, लेकिन इसरो का ये इंजन उससे कहीं ज्यादा फायर हुआ है, लिहाजा अब भारत का विकास इंजन पूरी तरह से कामयाब साबित हो चुका है। इसरो ने गगनयान अंतरिक्ष मिशन के L110 स्टेज के लिए ह्यूमन रेटेड यानी इंसानों को कैरी करने वाला विकास इंजन बना लिया है, जिसका महेंद्रगिरी के इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स यानी IPRC में 240 सेकंड से ज्यादा अवधि का हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। दोस्तों, ह्यूमन रेटेड L110G विकास इंजन का ये टेस्ट गगनयान प्रोग्राम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, इस टेस्ट के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी LVM-3G के एयर लिट लिक्विड कोर स्टेज में 2 L110G विकास इंजन क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन में लगाए गए थे। इसरो ने इस मामले में कहा है कि इस टेस्ट के साथ ही इंजन के सभी पैरामीटर्स को पूरा कर लिया गया है। इसरो ने यह भी कहा है कि गगनयान के लिए L110 स्टेज को डिजाइन करने और इसे अमली जामा पहनाने का काम लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ने किया है। इसरो के मुताबिक विकास इंजन पंप फेड गैस जनरेटर साइकिल में स्टोरेज प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करता है। इस इंजन की हॉट टेस्ट इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल टेस्ट स्टैंड में चरणबद्ध तरीके से किए गए हैं। दोस्तों, टोटल 1215 सेकंड्स के ड्यूरेशन में 9 इंजनों के 14 गर्म टेस्ट किए गए हैं, जिसमें दोस्तों 240 सेकंड यानी 4 मिनट की 4 लंबी अवधि के टेस्ट भी शामिल थे। इस मामले में इसरो ने कहा है कि भारत के सबसे भारी भरकम रॉकेट यानी LVM-3 रॉकेट में गगनयान मिशन के लिए आवश्यक लॉन्च के समान S-200 मोटर लगी है। इस मोटर को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जो गगनयान कॉन्फ़िगरेशन के बिल्कुल अनुकूल है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई
ताजा अपडेट को लेकर के अब आपको इस विकास इंजन के बारे में बताता हूं। ये इंजन एक लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन है जिसका विकास खुद इसरो ने किया है। इस इंजन का डिजाइन वाइकिंग रॉकेट इंजन पर आधारित है। इस इंजन का इस्तेमाल पीएसएलवी रॉकेट के दूसरे स्टेज में जबकि जीएसएलवी के दूसरे स्टेज के साथ स्ट्रैप ऑन चरण में किया जाता है। तो वहीं दोस्तों जीएसएलवी मार्क 3 में इसका इस्तेमाल पहले ही चरण में किया जाता है और अब जिस ह्यूमन रेटेड विकास इंजन का टेस्ट हुआ है वो सबसे ताकतवर रॉकेट LEM-3G के कोर स्टेज को शक्ति प्रदान करने में किया जाएगा। दोस्तों इससे पहले विकास इंजन का थ्रोटलिंग हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया था और अब ये इंजन पूरी तरह से तैयार है। इसरो ने 3 साल की बहुत ही छोटी अवधि के भीतर ह्यूमन रेटेड L110G विकास इंजन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दोस्तों इसरो ने 3 साल की बहुत ही छोटी अवधि के भीतर ही ह्यूमन रेटेड L110G विकास इंजन की योग्यता को पूरा कर लिया है। दोस्तों इससे पहले इस मामले में रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस की मदद की बातचीत चल रही थी लेकिन बाद में भारत ने इसको खुद डेवलप करने की ठानी और गगनयान मिशन की जो देरी हुई वो भी इन्हीं कारणों से हो रही थी और अब इसमें भारत कामयाब हो गया है। इससे पहले दोस्तों 14 जुलाई 2021 को इसरो ने गगनयान मिशन के विकास इंजन के लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था जिस पर खुद एलोन मस्क ने भी टिप्पणी की थी। तब दोस्तों एलोन मस्क ने भी इसरो को इस मामले में बधाई दी थी। दोस्तों ये परीक्षण इंजन की क्षमता को जांचने के लिए किया गया था जिससे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। तब महेंद्रगिरी में इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी IPRC में विकास इंजन को 240 सेकंड के लिए चलाया गया था। उस ट्रायल में भी इंजन तय मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरा था और दोस्तों इसने सभी संभावित गणनाओं को पूरा किया और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिखाया था। इसी इंजन को रॉकेट के अलग अलग स्टेजेस में अब लगाया जाएगा जो गगनयान कैप्सूल को अंतरिक्ष में लेकर के जाएगा। इस मॉड्यूल को इसरो ने खुद डिजाइन और डेवलप किया है, इसमें किसी भी दूसरे देश की मदद नहीं ली गई है। दोस्तों मोदी सरकार ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रिलीज किया है। गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में 7 दिनों के लिए भेजेगा। मुख्य लॉन्चिंग से पहले 2 अनमैन्ड मिशन होंगे। दोस्तों इन 2 मिशन में गगनयान को बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले भारत इसी साल मई में पैड एबोट टेस्ट करने जा रहा है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत ये तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का 4th देश बन जाएगा। तो वहीं अगर असफल होता है तो गगनयान मिशन ही खटाई में पड़ सकता है। दोस्तों ये टेस्ट इतना खास है कि पीएम मोदी की टीम भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि इसके लिए अब भारत तैयार हो चुका है। इसके बाद दोस्तों इसी साल गगनयान मिशन की पहली मानव रहित उड़ान यानी अनक्रूड फ्लाइट मिशन को पूरा किया जाएगा जिसे G1 नाम दिया गया है। ये उड़ान लोअर अर्थ ऑर्बिट तक होगी यानी 150 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में, जिसके बाद दोस्तों अगले साल की शुरुआत में एक बार फिर से एबोर्ट टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद दोबारा से मानव रहित उड़ान होगी। उसके बाद एक बार फिर से लोअर अर्थ ऑर्बिट में गगनयान कैप्सूल की दूसरी लोअर अर्थ ऑर्बिट में उड़ान होगी और अगर ये पूरी तरह से सफल होती है तो इसके बाद अगले साल गगनयान मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स एक छोटी ऑर्बिटल उड़ान करेंगे यानी अंतरिक्ष में पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को भारत भेजेगा। दोस्तों इसरो वैज्ञानिकों का कहना है कि मई में होने वाला पैड ऑर्बिट टेस्ट ऐसा मिशन है जिसमें किसी भी तरह की गलती को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हम अपने भारतीय वायुसेना के काबिल पायलट्स को इसमें भेजने वाले हैं जिनकी जान बहुत ज्यादा कीमती है। दोस्तों गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट्स ने रूस में अपने ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर लिया है और अब भारत इस मामले में पूरी तरह से तैयार है।